इनफैक्ट इनोवेशन से पहले एक्चुअली सब कुछ इस्टेब्लिशमेंट होना है, ये हम भी मानते हैं, मगर आज यहाँ पे आके देखा है तो बहुत सारा चीज़ यहाँ पे और भी हम लोगों को रेट्रोफिट करना है और भी कुछ कुछ नया चीज़ भी यहाँ पे बनाना है। तो एनी वे आई हैव गिवन द एश्योरेंस कि इसको हम जल्दी प्रोसेस करेंगे और इस साल जो भी फंड हम प्लेस कर पाएंगे हम इसमें ज़रूर हम प्लेस कर देंगे। अरुणाचल टुडे टीम आप पहुंची है अरुणाचल गवर्नमेंट लॉ कॉलेज जोते पे। ये कॉलेज जो मैं कह दूँ ये गवर्नमेंट लॉ कॉलेज जो अभी से नहीं शुरुआत से ही इसमें बहुत सारा इश्यूज और कंट्रोवर्सीज फेस कर मैं कह दूँ ये 19 अगस्त से ये क्लासेस स्टार्ट हुआ। और नमस्कार सभी को, आज हम पूरे एक महीने के बाद फिर से गवर्नमेंट लॉ कॉलेज जोते आए हैं, जहां हमने पहले महीने हमने बनाया था वाटर स्कैर्सिटी, इलेक्ट्रिसिटी और साथ ही जो बस और हॉस्टल इश्यूज को लेकर न्यूज़। तो हम यहां के जो प्रिंसिपल है उनसे जानेंगे कि एक महीने में उन्होंने क्या अपडेट किया। और एंड यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में बहुत प्रॉब्लम है, लाइक वाईफाई फैसिलिटीज आज तक हम लोग को नहीं दिया है, लाइब्रेरी में बुक्स बहुत कमती है, इस नॉट वो कंपैरिजन में ईटानगर का एक बुक स्टॉल से भी कंपैरिजन में बहुत कमती है लाइब्रेरी का बुक्स जो नॉन टीचिंग स्टाफ वो नहीं है, सिर्फ एक ही है, एक जो हेड असिस्टेंट है सिंगल, एंड देयर इज नो एनी एलडीसी इन दिस बाबू बोलते हैं ना, वो नहीं है, एलडीसी यूडीसी नहीं है, एंड उसका कारण जो हम लोग का टीचिंग फैकल्टी वो चीज़ को कर रहे हैं, हमारा यानी कि हम लोग का सार लोग मैम लोग जो टीचिंग पकड़ती है उसको कर दे रहा है। तो नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। जब भी हम रिपोर्ट बनाते हैं मुद्दे की बनाते हैं और लोगों की भलाई के लिए बनाते हैं, और मैं बता दूं कि कई सारे ऐसे रिपोर्ट है हमने आखिरी छोर तक बनाया जब तक वो रिपोर्ट में चेंजेस नहीं आए, कह सकते डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ शुरू नहीं किया गया। उन्हीं में से एक हमने शुरुआत किया था, कह सकते हम ही अकेले थे न्यूज़ चैनल अरुणाचल टुडे टीम जो स्टार्टिंग से सिंस 2019 हम रिपोर्ट बना रहे हैं रिगार्डिंग अरुणाचल प्रदेश का पहला और लौता गवर्नमेंट लॉ कॉलेज जो है जारबम गामलिंग लॉ कॉलेज जो जोते में एस्टेब्लिश किया गया है। सिंस वेरी फर्स्ट डे या जब से क्लासेस स्टार्ट हुआ था 2019 में यहाँ के स्टूडेंट्स की तरफ से कई बार हमें मैसेजेस किया गया और इवन हम ग्राउंड पे भी आए, और मैं बता दूँ कि इस वक्त हम वहीं हैं जोते लॉ कॉलेज में, और उनके तरफ से कई बार हमें इंटरव्यू दिया गया था और उनकी तरफ से बताया गया था कि यहाँ पे लाइब्रेरी तो है लेकिन बुक्स नहीं है, कंप्यूटर रूम है लेकिन कंप्यूटर नहीं, इवन पोर्टेबल वाटर जो कहते हैं ड्रिंकिंग वाटर तक भी नहीं है, बस है लेकिन ड्राइवर नहीं है, कैंटीन है लेकिन कैंटीन चल नहीं रहा है, इवन का शॉर्टेज ऑफ लाइक यू नो उस समय को जब हॉस्टल कंस्ट्रक्शन में था हॉस्टल भी नहीं था इस तरह कहना था। और मैं बता दूं कि उसके बाद जब 2019 के ही अक्टूबर के महीने में, अगर मैं कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी वो जूम करके दिखाए, जब 2019 के अक्टूबर 22 को सीएम खांडू सहित ताबा तादिर जो स्पीकर पीडी सोना और यहाँ के जो लोकल एमएलए है ताना हाली के द्वारा ये जो कॉलेज है उसे ऑफिशियली इनोग्रेट किया गया था, उस समय को हमने सीएम खांडू से सवाल रखा था कि ये जो कॉलेज है वो कह सकते पहला और लौता जो जो मैं मेंशन कर रही हूँ, तो उसमें क्यों विद द प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर जो बेसिक एमिनिटीज़ के बिना चालू किया गया, क्योंकि और क्योंकि मैं बता दूँ ये बार बार हम इसलिए कहते हैं क्योंकि अरुणाचल में कई बार ऐसा है इंस्टीट्यूशन या फिर कह लीजिए कोई भी स्कूल वगैरह खुल दिया जाता है, इंस्टीट्यूशन खुल दिया जाता है लेकिन विदाउट प्रॉपर बेसिक एमिनिटीज़, ये सवाल हमने जब रखा और मैंने हाईलाइट कर किया था रिगार्डिंग जो यहाँ पे जो शॉर्टेज है बेसिक एमिनिटीज़ को लेकर, तो उनकी तरफ से कहा गया कि जब भी कोई इंस्टीट्यूशन खुलता है तो कुछ ना कुछ कमियाँ रह जाती है, लेकिन उनकी तरफ से ये भी कहा गया था कि समय के साथ में जो यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल करेंगे। लेकिन मैं बता दूँ कि सिंस 2019 अभी 2024 पहुँच चुका है और कह सकते हैं 4 से 5 साल हो चुका है, और उस बीच में मैं बता दूँ उस बीच में जब सीएम खांडू की तरफ से एश्योरेंस दिया गया था उसके बाद आप सभी को पता है 2021 कोविड की वजह से थोड़ा बहुत लेकिंग हुआ, लेकिन हमने फिर जब डिपार्टमेंट से और यहाँ आकर हमने अपडेट लेने की कोशिश की तब भी थोड़ा बहुत कंडीशन वैसे ही था, और उसके बाद में हमने सोचा कि क्योंकि हम कंटिन्यूसली जब रिपोर्ट बनाते हैं तो हमारे ऊपर भी सवाल आ जाता है कि डिपार्टमेंट को और गवर्नमेंट को भी समय देना चाहिए मीडिया पर्सन को इस तरह का कहना है, तो हमने सोचा कि क्यों ना जो गवर्नमेंट है और डिपार्टमेंट को हम समय दे दें। उसके बाद अभी 2023 को सिंस 2023 के अगस्त से लेकर आई गेस अक्टूबर महीने से यहाँ के स्टूडेंट्स का मैसेजेस आना चालू हो चुका था, और यहाँ के जो अभी भी जो
नीडेड चीज़ें, रिक्वायरमेंट चीज़ें हैं, फिर से हमें हाईलाइट करना चालू कर दिया गया था, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हम लगातार रिपोर्ट बना रहे थे ये इंस्टीट्यूशन को लेकर, और उनके तरफ से कहा जा रहा था अभी भी जो लाइब्रेरी में बुक्स है लेकिन जो रिक्वायरमेंट्स है एक्चुअली जो स्टूडेंट्स को ज़रूरत है वो नहीं मिल रहे, एंड इवन कंप्यूटर्स रूम में कंप्यूटर नहीं, जो कैंटीन है कैंपस के अंदर में है वो भी बंद पड़ा है, और जो बस है उसमें एज यूजल जो स्टार्टिंग से नहीं था ड्राइवर अभी तक नहीं है, यहाँ पे एमटीएस वर्कर्स नहीं, कुक नहीं है, हॉस्टल तो एस्टेब्लिश कर दिया गया है लेकिन हमें इंफॉर्मेशन दिया गया है कि वहाँ पे भी अभी पानी जो वाटर लीकेजेस होना शुरू हो चुका है, इवन क्रैक्स आना शुरू हो चुका है, और कई चीज़ें हमें मेंशन किया गया है उनकी तरफ से। और मैं यही कहना चाहूँगी कि उसके बाद हम यहाँ आए थे, और अभी मैं बता दूँ कि हम ऑलरेडी प्रिंसिपल से मिल चुके हैं, और प्रिंसिपल की तरफ से हमें बस इतना ही कहा गया है कि ही इज़ नॉट ऑथराइज कोई भी मीडिया पर्सन को इंटरव्यू देने के लिए, कुछ भी स्टेटमेंट देने के लिए। तो हमारा सीधा सवाल रहेगा सीएम खांडू से, क्योंकि उनके तरफ से ही उन्होंने 22 अक्टूबर 2019 को उन्होंने एश्योरेंस दिया था कि विद द टाइम यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल कर देंगे। और मैं याद दिलाना चाहूँगी ये जारबम गामलिंग जो लॉ कॉलेज होते हैं वो अरुणाचल प्रदेश का पहला और लौता गवर्नमेंट लॉ कॉलेज है, इसमें अभी भी बहुत बेसिक चीज़ें जो रिक्वायरमेंट्स है वो अभी भी यहाँ पे फुलफिल करना बाकी है। तो हमारा क्वेश्चन रहेगा सीएम खांडू जी से ही, सर आपका वादा का क्या हुआ वही हम जानना चाहेंगे। साथ ही साथ जो कंसर्न मिनिस्टर है डिपार्टमेंट है, यहाँ पे अभी खबर आई है कि स्क्रीन में भी आप देखोगे कि यहाँ पे एक अच्छी बात है कि टावर लग चुका है, लेकिन एग्जैक्टली क्या का है वो पता नहीं, क्योंकि प्रिंसिपल की तरफ से हमें कोई अपडेट नहीं दिया गया है। रोड कनेक्टिविटी अगर बात करें अगर पहले की कंपेयर में, तो गोपुर से लेकर ज्योति तक ऑलरेडी पूरी तरीके से बन चुका है, एंड यहाँ पे हम एक चीज़ देख सकते हैं, और साथ ही साथ आप सब बाद में स्क्रीन में देखोगे कि बैक साइड में एक नया बिल्डिंग बन चुका है, आई गेस वो हॉस्टल होते हैं कि उसका भी अभी तक कोई अपडेट नहीं है। तो वही हम कहना चाहेंगे, सिर्फ कहने से नहीं होता है सर जी, आपको प्रैक्टिकली जो रिक्वायरमेंट्स है वो देना भी पड़ता है। और मैं यहाँ फिर से याद दिलाना चाहूँगी पहला और लौता गवर्नमेंट लॉ कॉलेज है अरुणाचल प्रदेश का, जो अभी भी बेसिक एमिनिटीज़ और रिक्वायरमेंट से इग्नोर्ड है, क्या कहूँ या फिर क्या कहूँ, अभी तक यहाँ मिलना बाकी है। तो देखना ये होगा कि कब तक सीएम खांडू के द्वारा, क्योंकि उन्होंने ही हमारे चैनल में अश्योरेंस दिया था और कंसर्न डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पे जो बेसिक एमिनिटीज़ है या फिर जो रिक्वायरमेंट्स है उसे फुलफिल किया जाता है, और हम लगातार रिपोर्ट बनाते रहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने काफ़ी समय दे दिया डिपार्टमेंट को भी और गवर्नमेंट को भी।